अपना चेहरा ये सुड़ी साहब आपका ये 7 फुट का कद जब असेंबली में गूंजता है उस वक्त आपके वर्करों की यहाँ कोई सुनता है नहीं तो हम मारेंगे, हम पीसेंगे, हमारी बहुत बुरी हालत हो गई। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सुड़ी साहब, सुड़ी साहब आप फिक्र मत करो, हम रात दिन चल के हम आपको कामयाब करके हमें असेंबली में, असेंबली खाली हो गई आपके बगैर। असेंबली में आपकी एक आवाज से हमारे काम होते थे, आज हम बेसहारा हो गए, जैसे यतीम बच्चे हो गए हम, हमें हमारी बहुत बुरी हालत हो गई। सुड़ी साहब आप टेंशन मत करो, हम सफाई की तरह काम करके आपको जिता के असेंबली में भेजने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। गठबंधन के लिए क्या है जरूरी? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मड़वा मारवन के लिए क्या है जरूरी? छात्रों के लिए क्या है जरूरी? भाजपा के लिए क्या है जरूरी? मुगल मैदान के लिए क्या है जरूरी? यशवान के लिए क्या है जरूरी? सभी पंचायतों के लिए क्या है जरूरी? सब गांवों के लिए क्या है जरूरी? इकबाल साहब, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जो ही ऐलान हुआ तो सियासी पार्टियां जो है हलचल में आ गई। इस वक्त आप जीएम सरूड़ी की रहाइशगाह पे हैं, तो किस तरीके से यहां जीएम सरूड़ी की रहाइशगाह पे मीटिंग रही और वर्करान से क्या खिताब किया? जुल्फकार साहब, मैं आपके चैनल का बहुत आभारी हूं, आप यहां पे आए और आपने यहां पूरा जो हमारा आपने देखा कि हमारी आज वर्कर्स मीटिंग जीएम सरूड़ी साहब ने रखी हुई थी। आपने देखा कि हजारों की तादाद में आज यहाँ पे हमारे मड़वा वाड़वन जितने भी हमारे 6 ब्लाक हैं, ब्लाक भांजवा, मगल मैदान, छात्रों और वाड़वन और मड़वा का एरिया पड़ता है, तमाम ब्लाक छात्रों ब्लाक से सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए। सिर्फ तो सिर्फ वर्कर्स मीटिंग थी, अगर जलसे की शक्ल हम बनाते तो यहाँ पे हम मेरे कहते मेरे हिसाब से पूरा इंद्रवार उसके यहाँ आया हुआ होता, लेकिन वर्कर मीटिंग बुलाई एक मैसेज पे जो है हमारे तमाम वर्कर यहाँ पे जमा हो गए। उन्होंने फैसला किया, ये जानते हैं जो है पार्टी नहीं है लोगों की, लोग जो है सीधा सुरुली साहब के साथ है। लोगों ने सुरुली साहब को बताया जो आपका फैसला होगा हम सरकार में उसको तस्लीम करते हैं। 96 से लेके आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, 2002 में आप हमारे MLA बने, इस इतने पीरियड में आपने वाकई तौर पे जो है इस हमारी इंद्रवाल कांस को पैरस बनाया। जहाँ पे 3 आंगनबाड़ी सेंटर थे वहाँ आज भगत जगह 13 सेंटर देखेंगे आप, जहाँ 2 स्कूल थे वहाँ 15 स्कूल देखेंगे। अगर आप किसी भी आप रोड सेक्टर को लीजिए, अगर हमारे 2002 से पहले 25 भर रोड सेक्टर, इस वक्त हमारे पास जो है हर गांव में हर देहात में जो है रोड पहुंच चुकी है। हमारा एक एरिया है पतनाजी टू किथर, सिर्फ कमी वहां पे रही, लेकिन वो रोड भी जो है 2012 में जीएम सुरुड़ी साहब ने MLA होते हुए उसको PM से सैंक्शन करवाया और उस पर काम जारी है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई 2014 में जो यहाँ पे BJP की हुकूमत आई और उस हुकूमत ने जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं रखी, ठेकेदारों के ठेकेदार आते गए, रोड को वहीं पे रखा। बहुत गीला लोगों का उस बात पे है, लेकिन वो गीला वो लोगों का जो शिकवा है, मैं कहता हूँ कि BJP सरकार के साथ होना चाहिए, उनके नुमाइंदों के साथ होना चाहिए। सुरुड़ी साहब ने जो अपना हक था वो अदा किया, उसको उसके काम किया, लेकिन आज जो मुश्तरका तौर पर यहाँ लोगों ने फैसला किया कि किसी का कोई पैसा नहीं चलेगा, आज यहाँ ठेकेदार आए हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ के इंद्रवाल के लोग जमीन को खरीदेंगे, लेकिन इंद्रवाल का नौजवान, इंद्रवाल का हर बुजुर्ग, हर शहरी जो है हर गांव से, हर देहात से, हर वार्ड से, हर पंचायत से उसने फैसला किया है कि हमने चौथी बार जो है जीएम सुरुड़ी साहब को बाहरी आकर कामयाब बनाना है। जो भी इनका निशान होगा इंशाल्लाह हम उसके मोहर लगाकर जीएम सुरुड़ी साहब को दोबारा जो है असेंबली में भेजेंगे। इंशाल्लाह उनको फैसला है या हम सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जीएम सुरुड़ी साहब को कामयाब बनाएंगे। हाजी साहब आज क्या कहेंगे, जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी पार्टियों में हलचल, आप इंद्रवाल हलके से हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे आज जीएम सरूड़ी ने मीटिंग बुलाई अपने रहाइशगाह पे, तो क्या कहेंगे आप? आज जो मामूली मैसेज पे मामूली फोन पे यहाँ सरूड़ी साहब ने मीटिंग बुलाई है और हजारों की तादाद में हल्का इंद्रवाल के लोग मड़वा वाड़वन छात्र चिनगाम केशवान भोंजवा से आए हैं और सुरी साहब ने उनसे ही मशवरा लिया कि आप क्या चाहते हैं, मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, तो लोगों ने सुरी साहब को इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया और सुरी साहब को कामयाब करने के लिए वादा किया और ये पूरी उम्मीद है कि हल्का इंद्रवाल में सुरी साहब बहुत भारी अक्सर से कामयाब होंगे, क्योंकि लोगों के हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए थे, आपने देखा लोगों का जज्बा कैसा है, लोगों की हालात क्या है और जो 10 साल की मुसीबत
हम लोगों को जीनी पड़ी है, उसका अजाला करने के लिए अगर रियासत जम्मू कश्मीर में कोई शख्सियत है तो वो जेएम सुरुड़ी है, जेएम सुरुड़ी है, जेएम सुरुड़ी है। मैं टिप्पणी पौजुआ से प्रणाम करता हूँ। बाहर के मेरे छात्रों के लोग भी कुछ लोगों को जानकारी भी है, हमें ना आज के बाद पार्टी को देते, हमारी पार्टी जो है वो सुरुड़ी साहब है। सुरुड़ी साहब आजाद बाद में रही है या किसी पार्टी से, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें सुरुड़ी साहब की जरूरत है। हम देखते सुरुड़ी साहब को आज से पहले को कन्फ्यूज एक है कि सुरुड़ी साहब की पार्टी नहीं है, कल सुरुड़ी साहब कहां से क्या लेकर देगा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। ये कन्फ्यूज हमें दिमाग से निकालना चाहिए। सुरुड़ी साहब हम आपके साथ में हैं, इंशाल्लाह साथ में थे भी और रहेंगे भी। जो आपकी हमदर्दी से ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो आपकी हमदर्दी को और आपको देखकर पहुंचे हैं, ना कि किसी पार्टी को देखकर आए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया हमारे चौधरी मिसेजिन साहब। अब मैं काबिले एहतराम जनाब सुरुड़ी साहब और मोजीन जो यहाँ बैठे हैं, आप सबके नाम अगर लूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। सबसे जनाबी मोहतरम काबिले इज्जत अलहाज जनाब गुलाम मोहम्मद सुरुड़ी साहब और यहाँ पे आए हुए सुरुड़ी साहब की पूरी टीम, अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबसे पहले मैं जनाब सुरुड़ी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस अपने अपने इलाके में जाके सुरुड़ी साहब का प्रचार करें और भारी अक्सरियत से सुरुड़ी साहब को इस बार फिर हमने अलवर में भेजना है। और अगर काम करने वाला कोई है वो खाली भाई बुलाना सुरुड़ी साहब है, जो कि इंदरवाल एक बंजर जमीन थी और उस बंजर जमीन को जिन्होंने नकाशा है, सींचा है, अपने खून से सींचा है। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा जो भी यहाँ वर्कर हजरात हैं अपनी अपनी पंचायत में जाके सुरुड़ी साहब के लिए वोट मांगे और हमें भारी अक्सरियत से सुरुड़ी साहब को कामयाब करना है। शुक्रिया, शुक्रिया सुरुड़ी साहब। जाके ये अपने अपने इलाके से यहाँ सुरुड़ी साहब के रायगढ़ में आए, आपको पता है सुरुड़ी साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमने 96 का इलेक्शन भी देखा, 2002 का भी देखा, 2008 का भी देखा और 2014 का भी देखा। लिहाजा आपको पता है किस्मत है जो आज वो देखेंगे। आज अब हाँ जम्मू कश्मीर के सबका वजीर जनाब सुरुड़ी साहब, इंदरवाल के खुशकिस्मत लोग, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपको एक मुबारक देना चाहता हूं कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से 16 पंचायतें काट के टोडा में डाली हुई है। उन लोगों का लीडर इस वक्त नहीं है, तरियों का बछान है उनके पास, वो लीडर ढूंढते हैं, वो सुरुड़ी साहब जैसा लीडर आज ढूंढते हैं कि अगर सुरुड़ी साहब जैसा लीडर होता तो हम जमीन माल के बेच के भी इनको जता के लाते हैं अवान में। क्यों? कि सुरुड़ी साहब की कदर उन 16 पंचायतों के अंदर लोगों का है। मोहतरम सुरुड़ी साहब बाकी सीनियर अहदेदार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे तब तक में हमारे मेरे दोस्त मेरे साथी सरपंच साहब फारूक साहब जो केवा के सरपंच हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी अपने कहना पेश करें। शुक्रिया। के हर पंचायत